आज की मुलाकात में सभी वेली बंधुओं का स्वागत है। आज की मुलाकात के विषय में आज हम लोग मोटर इंश्योरेंस में जो हम लोग ने स्कीम लॉन्च की है उस विषय पे आज हम लोग विस्तृत जानकारी देंगे वेलीज को, जिससे कि हम लोग सीएससी के माध्यम से जो भी इंश्योरेंस कंपनियां जिस स्कीम में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करके वेली अपने अर्निंग को बढ़ा पाए और नीचे गांव स्तर पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को प्रदान कर सके। तो और आज हमारे साथ जो कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस है, बजाज जनरल इंश्योरेंस है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है और स्टार हेल्थ जनरल इंश्योरेंस कंपनियां इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे एक सहयोगी जो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनका नाम जिस कंपनी से है वो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस से है, जिनका नाम है निशान चतुर्वेदी। वो निशान चतुर्वेदी जी आपको इस स्कीम के बारे में बताएंगे और टू व्हीलर थर्ड पार्टी का चार्ट दिखाएंगे आपको कि गाड़ियों का जो आप लोग इंश्योरेंस करते हैं जो क्यूब कैपेसिटी होती है उससे कितना प्रीमियम हम लोग लेते हैं गाड़ियों का, चाहे वो छोटी गाड़ी हो चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, और आपको टू व्हीलर के बारे में एक जानकारी देंगे, ठीक है। और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको कुछ हम जो इंश्योरेंस कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं स्कीम में उनके प्रतिनिधि का नंबर दिखाएंगे। कृपया करके आप लोग हम लोग से जो भी समझा पाएंगे आपको समझाएंगे, और भी कुछ अधिक जानकारी चाहिए होगी तो आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग समझ भी सकते हैं। तो मैं निशान चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि वो इस स्कीम के बारे में बताएं और आपको स्लाइड करके दिखाएं भी इसमें। हेलो, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पीयूष जी का और सीएससी का, जिसके सौजन्य से आज हमको मौका मिला कि भाई आप लोग के समक्ष में स्कीम के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे सकूं और स्कीम के बारे में मैं बताऊं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्कीम में स्कीम की जो स्टार्टिंग स्कीम में वो 50,000 से 1 लाख है, जो सबसे पहला स्लैब है वो 50,000 से 1 लाख रुपए का स्लैब है, जो सबसे पहला स्लैब है स्कीम में। और जो स्कीम लागू हुई वो 1 जून से लेके 30 सितंबर 2023 तक के लिए स्कीम लाई गई है। वो उन वेली बंधुओं के लिए है जो वेली बंधु हमारे साथ सीएससी द्वारा बीमा का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, स्कीम सबसे पहला ग्रेड है 50,000 से 1 लाख रुपए का। नेट प्रीमियम पे जो भी आप बीमा का कार्य करेंगे वो नेट प्रीमियम पे, मतलब सर्विस टैक्स हटाने के बाद जो धनराशि आती है उसको बोलते हैं नेट प्रीमियम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रेड 1 में 50,000 से 1 लाख रुपए पे जो आपको कमीशन मिल रहा है उसके अतिरिक्त आप 3% और अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं सीएससी द्वारा आयोजित समर सेशन स्कीम का। अगर आप मोटर कंप्रेहेंसिव बीमा कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर हेल्थ कर रहे हैं तो उस पे आप 3.50 मतलब 3.50% एक्स्ट्रा लाभ उठा सकते हैं। और अगर कोई वेली बंधु केवल अगर हेल्थ पॉलिसी अगर बेच रहा है तो उसको अतिरिक्त 5% का लाभ प्राप्त होगा। दूसरा स्लैब है ग्रेड 2, जिसमें 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए की राशि रखी गई है, प्रीमियम अमाउंट है, जिसमें आपको 5% अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मोटर कॉम्प्रेंसिव कर रहे हैं तो 5.5%, जिसको बोलते हैं 5.50%। और अगर आप हेल्थ करते हैं इंडिविजुअली, जैसा कि स्टार हेल्थ जुड़ा हुआ, अगर उससे हेल्थ करते हैं और भी कंपनियों जो हेल्थ में अभी लाइव है, उससे आप 7% एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। ग्रेड 3 में जैसा आप देख पा रहे होंगे, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का स्लैब रखा गया है, 6% मोटर थर्ड पार्टी और पर्सनल एक्सीडेंट पर रखा गया है, 6.5% मोटर कंप्रेहेंसिव। अभी मैं आपको आगे चरण में मोटर कंप्रेहेंसिव और मोटर थर्ड पार्टी के बारे में भी बताऊंगा संक्षेप में, और इसके क्या लाभ होते हैं। मोटर कंप्रेहेंसिव में आप जैसा देख पा रहे हैं कि 6.5% का आपको लाभ मिलेगा और हेल्थ में 8% का आप लाभ उठा सकते हैं। ग्रेड 4 स्लैब है जो कि रखा गया 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक,
7% आपको आएगा अगर आप थर्ड पार्टी बीमा करते हैं और 7.5% करते हैं अगर आप मोटर कंप्रेहेंसिव करते हैं, और हेल्थ करते हैं तो 9%। जो सबसे लास्ट ग्रेड है, सबसे टॉप ग्रेड है, सीएससी द्वारा रखा गया, जिसका नाम है ग्रेड 5, जिसमें धनराशि है 10 लाख रुपए प्रीमियम करने पे 9% आपको प्राप्त होगा अगर आप मोटर थर्ड पार्टी और पर्सनल एक्सीडेंट करते हैं। 9.5% आपको प्राप्त होगा अगर आप फुल बीमा करते हैं, और 11% आपको प्राप्त होगा अगर आप स्वास्थ्य बीमा करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट चरण में एक वीडियो दिखाऊंगा आपके समक्ष, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मोटर बीमा क्या होता है और कैसे क्लेम होता है, आप उसके बारे में संक्षेप में आपको बताता हूं। हाय, मैं हूं राशि मल्होत्रा फ्रॉम डिजिटल इंश्योरेंस, और आज हम टू व्हीलर इंश्योरेंस की बात करेंगे। टू व्हीलर इंश्योरेंस में मेनली दो तरह के कवरेजेस होते हैं। फर्स्ट इज थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवरेज एंड सेकेंड इज ओन डैमेज कवरेज। अब जब हम थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवरेज की बात करते हैं तो ये एक कंपल्सरी कवरेज है। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास एक टू व्हीलर है तो आपके पास ये होना ही चाहिए। लेकिन ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवरेज होता क्या है, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए रोहन के पास एक टू व्हीलर है जिससे वो रोज अपने ऑफिस जाता है, तो एक दिन रास्ते में रोहन का स्कूटर मोहन की बाइक से टकरा जाता है, और रोहन के पास जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवरेज है तो रोहन की इंश्योरेंस कंपनी ही मोहन के बाइक के डैमेज को कवर करेगी। यही नहीं, ये इंश्योरेंस मोहन की अनफॉर्चुनेट डेथ या बॉडिली इंजरी को भी कवर करेगी। तो ये हुए थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवरेज के फायदे। लेकिन अब किसी एक्सीडेंट में रोहन का खुद का स्कूटर भी डैमेज हुआ है, और उसके नुकसान का क्या, आइए ये भी जानते हैं। तब बात आती है ओन डैमेज कवरेज। ये वो कवर है जो आपके वाहन के खुद के डैमेज को कवर करता है। मतलब रोहन का जो स्कूटर का डैमेज हुआ उस खर्चे की भरपाई करेगा ओन डैमेज कवरेज। इस एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर हुई है कि आपको दोनों कवरेजेस लेने चाहिए, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवरेज क्योंकि ये कंपल्सरी भी है और ये दूसरों के नुकसान की भरपाई करता है, और ओन डैमेज कवरेज क्योंकि ये आपके नुकसान की भरपाई करता है। ये कवरेज भले ही कंपलसरी ना हो लेकिन आपके पास होना तो चाहिए, क्योंकि आपकी जान और आपकी गाड़ी भी तो उतनी ही कीमती है ना। इसके अलावा आप अपने टू व्हीलर इंश्योरेंस के साथ और भी बहुत सारे एड ऑन ले सकते हैं जो आपको एक कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि पार्ट्स डेप्रिसिएशन एड ऑन, जिसे मार्केट में जीरो डेम के नाम पे भी जाना जाता है। हर साल आपके टू व्हीलर में लगे हुए पार्ट्स डेप्रिशिएट होते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू कम होती है। पार्ट्स डेप्रिसिएशन प्रोटेक्ट एड ऑन के जरिए भले ही आपके पार्ट्स की वैल्यू कम हो जाए लेकिन क्लेम के वक्त आपको पुराना ही पूरा अमाउंट मिलेगा। फिर कंज्यूमेबल कवर एड ऑन आता है जो इंजन ऑयल, नट बोल्ट्स, स्क्रूज, ब्रेक ऑयल जैसे कंज्यूमेबल को कवर करता है। इतना ही नहीं, आप अपने इंजन, गियरबॉक्स, टायर्स, लॉक एंड की सबको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एड ऑन ले सकते हैं। ब्रेकडाउन असिस्टेंस एड ऑन आपके लंबे सफर में काम आता है। आपके शहर से 500 किलोमीटर तक की दूरी पे मान लीजिए आपका बीच सड़क में ही स्कूटर खराब हो जाए तो आपको वहां पे टेक्नीशियन की सहायता या फोन के थ्रू मदद पहुंचाई जा सकती है। टू व्हीलर को टो करा के गैराज ले जाना हो या आपके ईंधन फ्यूल की जरूरत हो, इन चीजों के लिए भी ये एड ऑन आपकी सहायता करेगा। अगर आपको भी चाहिए ये सारे टू व्हीलर इंश्योरेंस के बेनिफिट्स तो आज ही लीजिए डिजिट इंश्योरेंस, क्योंकि डिजिट जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी इस वीडियो में ओन डैमेज कवर और थर्ड पार्टी के बारे में आपको संक्षेप में बताया गया, और मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा आप सीएससी द्वारा गो डिजिट पोर्टल या और भी अन्य कंपनियों के पोर्टल से पॉलिसी कैसे बना सकते हैं। आपको सबसे पहले सर्वप्रथम अपने पोर्टल को लॉग इन करना होगा, उस चरण को मैं संक्षेप में आपको अभी दिखाना चाहूंगा। ये आप लोग जैसा देख सकते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखा। सर्वप्रथम मैं सीएससी
आरडी को लॉग इन करूंगा, उसके बाद मैं इंश्योरेंस पे क्लिक करूंगा, फिर मोटर कंप्रेंसिव या मोटर थर्ड पार्टी के कॉलम पे मैं क्लिक करके जिस भी कंपनी का गो डिजिट कंपनी में आप क्लिक करते हैं आपके सामने साइन इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट का पोर्टल खुलता है। इसमें आप क्लिक करेंगे, आपकी सहायता के लिए कंपनी ने आइकॉन दिया हुआ कार, बाइक, कॉमर्शियल और हेल्थ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ केवल आपको गाड़ी नंबर अंकित करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब गाड़ी की संख्या, जो भी गाड़ी नंबर हो, UP 32 UP 34। अगर पॉलिसी एक्सपायर है तो एक्सपायर पर आपको क्लिक करना, और नॉट एक्सपायर जो बीमा चल रहा है उस पर नॉट एक्सपायर पर करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी नंबर के बाद व्यू प्राइस पे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने सारी डिटेल खुल के आ गई। आपको कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके उपरांत आपको मोटर कंप्रेंसा की अभी बताया गया वीडियो में मोटर थर्ड पार्टी जो कि सामने वाले का, और ओन डैमेज जो गाड़ियां 2020 में निकली उनके 4 साल 5 साल का थर्ड पार्टी रहता है और 1 साल का ओडी कवर होता है जिसको बोलते हैं ओन डैमेज कवर, तो वो भी आप गो डिजिट के पोर्टल द्वारा बीमा कर सकते हैं। जैसा कि कवरेजेस में आप देख पा रहे होंगे पर्सनल एक्सीडेंट कवर है जो 15 लाख का गाड़ी के मालिक के लिए होता है जिसका नाम है पर्सनल एक्सीडेंट कवर ओनर ड्राइवर। कंज्यूमेबल आप चाहें तो वो कवर आप ले सकते हैं। इंजन प्रोटेक्शन कवर चाहें वो आप ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कस्टमर का नाम आ गया, पिन कोड आ गया, आपको ईमेल आईडी भरना है और मोबाइल नंबर भर के आपको आगे क्लिक पे नाउ के ऑप्शन पे आपको जाना है। अगर आपको मॉडल लगता है कि मॉडल कुछ गलत आ गया तो आप उसको एडिट के ऑप्शन पे जाके सही मॉडल को आप अंकित करके पॉलिसी को पे नाउ कर सकते हैं। ई केवाईसी का प्रोसेस बहुत सिंपल है। डिजिट में केवल आधार कार्ड की कॉपी आगे और पीछे की आपको केवल संलग्न करनी है जिसके चलते ई केवाईसी बैकएंड से अपडेट होके तुरंत आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गाड़ी नंबर आ गया, चेचिस, इंजन नंबर, जो भी चीजें आपको अपनी अंकित करनी हो आप यहाँ डाल सकते हैं। ये प्रीवियस पॉलिसी डिटेल है जिसमें आपको किस कंपनी का पिछला बीमा है उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी होगी, पॉलिसी संख्या, उस कंपनी का नाम, पॉलिसी एक्सपायर कब हुई है इसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है। अगर आपको 1 साल का प्रीमियम करना हो तो आप 1 साल का, 2 साल और 3 साल, ये 3 ऑप्शन आपके सामने करके आप पे नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। पे नाउ पे आप जब क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपको अपना CSC का वैलिड पिन और लेजर का पिन आपको डालना पड़ेगा जिसके पश्चात आपकी पॉलिसी कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। KYC पेमेंट कटने के बाद eKYC का ही पैटर्न आया है जो कि 1 जनवरी से IRDA ने लागू किया है। अब आपके समक्ष में टू व्हीलर थर्ड पार्टी के रेट चार्ट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा जिसके चलते जो वैल्यू, और मैं उसको कोशिश करूंगा इस लिंक में मैं डाल भी दूं, जो वैल्यू नए हैं और जो पुराने कार करते आ रहे हैं कम से कम वो टू व्हीलर के रेट्स जो कस्टमर उनके क्या पूछने आते हैं कि बाइक में कितना होगा तो वो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टू व्हीलर TP रेट चार्ट में 0 से लेके 75 cc मतलब क्यूबिक कैपेसिटी जो गाड़ियां होती हैं उस पे आप विद PA अगर करते हैं प्रीमियम तो ₹1,077 PA करते हैं रिस्ट्रिक्टेड TP PD के द्वारा करेंगे तो आप ₹1,018, विदाउट PA आप करेंगे ₹635 और विदाउट PA रिस्ट्रिक्टेड TP PD आप करेंगे तो ₹576 की धनराशि कस्टमर को देना पड़ेगा। अगर हम बात करें 76 cc से लेकर 150 cc में तो आप ₹1,250 PA कवर के साथ आपसे लिया जाएगा, ₹1,226 विद PA रिस्ट्रिक्टेड TP PD, ₹843 विदाउट PA और ₹784 की धनराशि कस्टमर को भुगतान करना पड़ेगा। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं प्राइवेट कार का दिया हुआ है। प्राइवेट कार को 3 सेगमेंट में बांटा गया है, 1000 cc के नीचे जो गाड़ियां होती हैं, 1001 से लेके 1500 cc के दौरान जो गाड़ी होती है और अबव 1500। मैं बात करता हूँ सबसे नीचे जो अल्टो, मारुति अल्टो 800 गाड़ियां थी वो 1000 cc के नीचे गाड़ियां होती हैं, उसमें अगर आप PA कवर के साथ पॉलिसी अगर आप जारी करते हैं गो डिजिट द्वारा तो आपको ₹2,860 की भुगतान करना होगा। आप विदाउट PA करते हैं तो ₹2,471। अगर आप 1001 cc से लेकर 1500 cc के बीच की गाड़ी अगर आप पॉलिसी इशू करते हैं तो आपको ₹4,420 देना होगा PA के साथ और ₹4,031 की धनराशि देना होगा कस्टमर को बिना PA के साथ। मैं बात करता हूँ GCB फोर व्हीलर में जो आती है माल ढोने वाली गाड़ियां जिसमें कि टाटा एस आती है जिसको बोलते हैं छोटा हाथी,
मारुति कैरी ऐसी गाड़ियां आती हैं जो सामान ढोने का कार्य करती हैं, जिसमें आप जीवीडब्ल्यू के हिसाब से उसमें आप पेमेंट करते हैं, जैसा कि विद पीए 18,364 रुपए की धनराशि देना होगा, विद पीएन रिस्ट्रिक्टेड टीपीपीडी आप देख पा रहे होंगे 18,140 रुपए की धनराशि, और विदाउट पीए आपको देना होगा तो 17,975 रुपया, और विदाउट पीए और रिस्ट्रिक्टेड टीपीपीडी आप 17,751 रुपए की धनराशि कस्टमर को देना पड़ेगा। नीचे आप देख पा रहे हैं पीसीवी टीपी रेट चार्ट, पीसीवी रेट है ये जो ऑटो चलती है हमारे गांव देहात में, जो रूलर में ऑटो चलती है, आप इसके माध्यम से बैटरी वाली गाड़ियों का बीमा भी आप कर सकते हैं, उन सबके भी रेट चार्ट नीचे दिए गए। ट्रैक्टर की थर्ड पार्टी आप कर सकते हैं, पीसीवी आप 3+1 भी कर सकते हैं, पीसीवी 4W में जैसे कि जो गाड़ियां ओला उबेर में चलती हैं उसका बीमा भी आप थर्ड पार्टी कर सकते हैं। अब मैं अंत में पीयूष जी को बोलूंगा, वो जितनी भी कंपनियां इस समय पार्टिसिपेट कर रही हैं सीसी द्वारा आयोजित समर सीजन में, उन लोग के प्रतिनिधित्व का नाम और नंबर आपके समक्ष दिखाएं, जिसके चलते स्कीम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ भी आपको समझना हो तो आप कॉल करके अपनी समस्या का सुझाव आप ले सकते हैं। आप 24/7 कभी भी कॉल करके आप अपने जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं पीयूष जी को बोलूंगा, अनुरोध करूंगा फिर से आपके समक्ष आए और आपको वो स्क्रीन शेयर करें। धन्यवाद निशान जी, आपने एक अच्छी जानकारी दी है स्कीम के बारे में। ये हमारी जो स्कीम है, ये हमारी स्कीम 1 जून 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक चलेगी, जो कि 4 महीने के लिए चल रही है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त कमीशन पा सकते हैं। तो कृपया करके जो लोग हम लोग जो भी वेली भाई अपना बाहर से मतलब डायरेक्ट ब्रोकिंग कोर्ट से काम करते हैं, कृपया करके वो सीएससी के साथ काम करें और अपने अर्निंग को बहुत अच्छा बढ़ाएं, और जिसमें कमीशन उनको तुरंत तुरंत मिल रहा है, और जो कमीशन भी आएगा वो भी आपको डीजीपी वॉलेट में ही नेक्स्ट मंथ में, मतलब जिस महीने का आपने कार्य किया होगा, जैसे जून में आपने जो कार्य किया होगा उसका जो पैसा होगा वो जुलाई महीने में आपको प्राप्त हो जाएगा, और जो जुलाई के महीने का काम करेंगे आप उसका जो कमीशन होगा वो अगस्त के महीने में प्राप्त हो जाएगा। तो कृपया करके इस स्कीम में पार्टिसिपेट करें सभी लोग, और इसमें मैं आपको एक स्क्रीन दिखा देता हूं जिसमें आप सबके नंबर वो नोट भी कर लें आप सभी लोग। ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी जिसमें गो डिजिट से हम जो अभी निशान चतुर्वेदी जी आपके साथ बात कर रहे थे उनका नंबर लिखा हुआ है, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस निशान चतुर्वेदी जी का जो नंबर है गो डिजिट से उनका है 9140116623, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस से अनिल सिंह जी 9838072743, HDFC जनरल इंश्योरेंस से ललन बिहारी जी हैं 8655985452, SBI जनरल इंश्योरेंस से नवनीत मिश्रा जी हैं 7408392888, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से हैं सुयश सिंह 9305002272, और यदि आपको इनसे हेल्प नहीं मिल पाती है तो हम लोग जो सीएससी स्टेट ऑफिस में जो इंश्योरेंस की टीम बैठी है उसमें अश्वनी राजपूत जी हैं जिनका नंबर है 8299778838, और मैं खुद मेरा नंबर है पीयूष श्रीवास्तव, मेरा नाम है 8948404079 मेरा नंबर है, तो आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया करके आशा करते हैं कि सभी लोग इस स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे और इस स्कीम को बहुत आगे लेके जाएंगे, जिससे कि आप लोग ज्यादा ज्यादा मात्रा में गाड़ियों को इंश्योरेंस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।